मैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ ब्रॉन सिल्क कैपल 3 का रिव्यू लेकर। तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा है, ये मशीन कैसे वर्क करती है, और ये कितने की मैंने परचेज की है, और मैंने कहाँ से खरीदी है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें। इस मशीन में मौजूद है एक ब्रॉन का एपिलेट एंड इसके साथ एक ट्रिमर है जो कि शेविंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अंदर दो बुक्स हैं, एक इन्होंने एपिलेटर के लिए दी है और एक शेवर के लिए दी है, मतलब कि अगर आपको समझ ना आए तो इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ये चार्जर है, ये ट्रिमर है इसके बीच में, ये सेल के साथ इस्तेमाल होता है। इसको ओपन करके इसके बीच में सेल डालते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रिमर आप मतलब अगर आपने शेविंग करनी हुई ऊपर ऊपर से बाल उतारने तो ये इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, लाइक दिस। ये आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। और इसके अलावा एक ये ब्रश है इसको साफ करने के लिए और एपिलेटर को साफ करने के लिए। और इसके अलावा ये एपिलेटर है, ये रिचार्जेबल नहीं है, इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आप डायरेक्ट बिजली के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये जो चार्जर है ये इसके साथ अटैच होगा और देन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन में दो फंक्शन हैं, एक हाई और एक लो। अगर आप लो में करना चाहते हैं तो इसको आप 1 स्पीड में रखेंगे, अगर आप हाईली इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको 2nd में रखेंगे। इसके ऊपर से ये मशीन कुछ इस तरह की है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं तो मैं इसकी वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगी इसको इस्तेमाल करके, और आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब इसका रिज़ल्ट कैसा है, ये प्रॉपरली कैसे बाल खींचती है, ये मशीन बाल खींच कर उतारती है। और ये रिचार्जेबल नहीं है, इसको आप बिजली के साथ डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जो मैं एपिलेटर यूज़ करती थी वो कुछ इतना ख़ास नहीं था। मैंने लास्ट टाइम मैंने 2-3 कंपनी के एपिलेटर यूज़ किए हैं बट मुझे उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ये वाला एपिलेटर मंगवाया है ब्रॉन कंपनी का। ये मैंने दुबई से बाय की है। अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो ये अमेजोन से भी आपको डायरेक्टली मिल सकती है। आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं या फिर किसी भी आप शॉप से इसको ख़रीद सकते हैं। ओरिजिनल अगर आपको चाहिए तो आप किसी भी मॉल से इसको परचेज कर सकते हैं। और इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन कोई 8 से 9 हज़ार के दरमियान है, ये आपको इजीली 8 से 9 हज़ार के अंदर अंदर मिल जाएगी। ये था मेरा ब्रॉन कंपनी का रिव्यू। वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर। इसके अलावा अगर और कोई प्रोडक्ट का आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे मेंशन करें, मैं नेक्स्ट उसी प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ आऊँगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।